नमस्कार दोस्तों, आंगनवाड़ी के 52,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई चीज़ें बदल दी गई हैं इस बार आंगनवाड़ी की जो भर्ती होने वाली है। पहले हाई स्कूल था मानक, लेकिन अब हाई स्कूल की जगह इंटर को मानक माना गया है और उम्र सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा तक के बच्चे भर सकते थे, महिलाएं भर सकती थी, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आप 21 से अगर 35 के बीच में आपकी आयु सीमा है तो ही आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। इसमें आवेदन करने की जो सीमा निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु सीमा के बीच की जो महिलाएं हैं केवल वही लोग इसमें आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो अनामिका सिंह हैं उन्होंने कहा है, शासनादेश भी जारी कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन दो चीज़ें बदली हैं। एक तो हाई स्कूल की जगह इंटर की महिलाएं, यानी कि जो इंटर पास होना अनिवार्य है। दूसरा, जो उम्र सीमा थी पहले 21 से 45 वर्ष थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा के बीच की जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। तो प्रदेश में जो कि 2021 में भर्ती प्रक्रिया आंगनवाड़ी की शुरू हुई थी, जो कि EWS आरक्षण, जिसमें 10% आरक्षण का प्रावधान नहीं था, इस वजह से कोर्ट में भर्ती गई थी और इस भर्ती को फिर क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया गया और 10% आरक्षण के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया। तो हाई कोर्ट ने 10% आरक्षण जो है वो सभी EWS की जो महिलाएं हैं उनको मिलने वाला है, तो उसके आधार पर भर्ती होने वाली है। तो हाई स्कूल की जगह इंटर और दूसरी चीज जो आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष की गई है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो है उनके मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के रिक्त 52,000 पदों पर मानदेय के आधार पर ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बारे में चयन प्रक्रिया का फिर से निर्धारण किया गया है। अब चयन के लिए पात्रता जो पहले 21 से 45 वर्ष थी उसको खत्म किया गया है, नई आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई है। तो जो नई आयु सीमा है वो 21 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है और ये जो नौकरी आपकी होने वाली है 62 वर्ष की आयु तक आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। और इसमें जो जन्मतिथि के बारे में बताया गया है, तो जन्मतिथि आपकी जो निर्धारित की जाएगी वो हाई स्कूल में जो अंकित मार्कशीट में आपकी जो जन्मतिथि होगी उसी आधार पर निर्धारण होगा। तो याद रखिएगा, 21 से अगर आप 35 के बीच में आयु सीमा में हैं, इंटर पास हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये मेरिट के आधार पर भर्ती हो सकती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था। आप लोग आवेदन जिन्होंने नहीं शुरू किया तो जाकर राजस्व विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो examcrack.org की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।